अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ जो कि हमने एक नायाब चीज़ की बनाई है जो शायद इस पाकिस्तान में चंद ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कम लोग के लिए ये अफोर्डेबल हैं। इसलिए कि बेसिकली जो इसमें चीज़ें मतलब जो जिस किस्म के एनिमल्स और हार्ड रॉक कॉरल्स और ये इस टाइप की चीज़ एंथियस वगैरह जो रखी गई हैं, ये इस वक्त नायाब हो चुकी हैं। इसलिए कि इनके प्राइस इस वक्त जिस तरह से डॉलर्स ऊपर जा रहा है, इस तरह इस हिसाब से ये बिल्कुल हमारी अफोर्ड्स से बाहर हो चुकी हैं। बेसिकली इसी वजह से अब ये कम लोगों का शौक होता जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में चंद लोगों ने ही किया है, इससे चंद साल पहले मुझे भी इसका बहुत शौक था तो, लेकिन बहरहाल शौक की हद तक रह गया इस वक्त तो। लेकिन ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड श्रिम्प, इस वक्त ये पहली दफ़ा निकला है इस एक्वेरियम में, और एक मैं आपको और एक और श्रिम्प से आपका मुतारिफ कराऊँ आपको। ये देखें जी, ये श्रिम्प, इसमें दो श्रिम्प इस वक्त मौजूद हैं इसके अंदर एक्वेरियम के अंदर। ये देखें आप, ये इंतहा खूबसूरत चीज़ें, ये कॉमन क्लाउन है, ये देखें आप, ये टॉर्च कोरल रखे गए हैं इसके अंदर, ये टॉर्च कोरल है और ये ब्रेन कोरल है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है। इस चीज़ को मैंने ख़ास तौर पे इसने आपको जूम भी करके दिखाने की कोशिश करी है, आप इसको गौर से देखें तो एक अल्लाह लिखा हुआ इसका, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं और ये ब्रेन कोरल है और ये टॉर्च कोरल रखा गया है। ये देखें, बेनते हैं खूबसूरत चीज़ें, आप कलर्स देखें। अगर फराज भाई से मैं पूछना चाहूँ, फराज भाई ये क्या है, ये कौन सा है, इसको एनिमल को क्या नाम है? इस कोरल का नाम है ऑक्टोपस स्पॉन कोरल। ये जी ऑक्टोपस स्पॉन कोरल्स है और ये इसके बराबर में जो है, मैं थोड़ा सा फराज भाई से इसका भी नाम दोबारा लेना चाहूँगा, इसका क्या नाम होगा फराज भाई? इसको कॉमन नेम इसको हम डोनट कोरल कहते हैं, अदरवाइज हम इसको सैनरीना भी कह सकते हैं। ये जी कॉमन नेम इसका डोनट कोरल है, बेसिकली सैनरीना भी कह सकते हैं आप इसे, इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम है बेसिकली इसका तो। और ये देखें जी आप, ये मशरूम्स हैं और ये एक और मशरूम, असल में ये मशरूम जो है ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ ब्राउन कलर्स ज़्यादा मिलता है और इधर से जो अगर जो आप इंपोर्ट करेंगे तो ये इसके अंदर डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं। और ये कौन सा का, ये कारपेट एनिमल है सर? ये हेरी मशरूम, ये हेरी मशरूम के नाम से है इनके एक्वेरियम में। तो ये फराज भाई का एक बेहतरीन किस्म का एक सेटअप गोलीमार में, अपना फराज भाई का ये सेटअप अपने घर में लगाया हुआ है उन्होंने। बेसिकली ये किसी के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है, उनका अपना पर्सनल शौक है ये। तो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे तकरीबन हम 1.5 महीने से उनसे इस बात का ये कहते रहे कि आप फराज भाई प्लीज़ हमारे लिए कम से कम आप इसके ओपन करें ताकि हम अपने व्यूवर्स को पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों के बारे में, इसने कि जब आप इसको यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी दुनिया में मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर हैं ये। और अब तो ये खुद और लोगों की पहुंच से भी दूर निकलती जा रही है, जैसे कि आप ये देखें कॉमन क्लाउन, एक खूबसूरत चीज़, इसको नीमो फिश भी कहा जाता है और इसको आप इस पे फिल्म भी बनी है फाइंडिंग नीमो के नाम से, जो उसका मेन करेक्टर है। और उसके बाद एक इसका सेकेंड पार्ट भी आया जिसमें फाइंडिंग डोरी के नाम से आया और वो उसमें नीमो और डोरी दोनों ही इसके मेन करेक्टर हैं। ये देखें जी, इसकी ये एक तो मासूमियत के हिसाब से भी जब आप इसको अगर एनिमल में देख लेंगे ना तो आपका तो दिल ही नहीं चाहेगा कि आप इसको छोड़ के जाएं। बेसिकली एनिमल फिश कहलाती हैं ये, और हम जितने भी तारीफ इस एक्वेरियम की करें तो कम है। और ये मैं आपको दिखाऊं जरा, ये ग्रास इसी एक्वेरियम में छोटी सी रखी गई थी और ये इसी में इतनी ज़्यादा परवरिश इसकी यहीं पर बड़ी हुई है। ये इनका सलमान फराज भाई का कहना है शायद 1 से 2 इंच की रखी गई थी एक्वेरियम में। ये देखें आप, इसी में इसकी अफजाइश हुई है। तो जितना आप इसका सबसे बड़ी है कि हर चीज़
हर चीज़ एक अपनी ज़िंदगी रहती है और हर चीज़ इसमें लाइव है, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि इसके पत्थर भी इसमें लाइव हैं और इसमें जितने भी आपको ये कॉलर्स कलर्स नज़र आ रहे हैं हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ अपनी उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ग्रो कर रही है। और एक वक्त भी आता है कि हमें इसमें कटिंग्स करनी पड़ती हैं क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक्वेरियम से बाहर आ रही होती है या फिर वो एक्वेरियम में दूसरी चीज़ों को तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें उसको कटिंग करनी पड़ती है। ये देखें जी, फराज भाई ने एक थोड़ी सी आपको एक्नॉलेज किया है इस बारे में कि ये एक ऐसी मुनफरद चीज़ है इनके पास कि इसी में ग्रो हो रही है बेसिकली। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और भी इसके बारे में दिखाता चलूँ कि शायद ये आपको मैंने ये हमारे जो शिरिन हजरात हैं इन्होंने अपना कवर जो इसके ऊपर कवर होता है इनकी जो स्किन का होता है बेसिकली वो इन्होंने चेंज किया है। तो ये मैंने आपको दिखाया और ये किन साथ में चेंज किया है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये शिरिन ने अपना खुद ही इस वक्त इन्होंने जो है अपना कवर चेंज किया है। इस वक्त इनको फीडिंग कराई जा रही है और फीडिंग पे देखें माशाल्लाह से जो एक्वेरियम्स की फिशेस की पहचान ये होती है अच्छी फिश होने की कि वो तमाम फीड पर होनी चाहिए और एंथियस ऐसी फिश है जो बे इंतहा मुश्किल से फीड पर आती है और एक्वेरियम में तो ख़ास तौर पर इसको एंथियस को बेसिकली फीड पर लाना ही एक कमाल है। तो ये मैं आपके अपने तवज्जुह पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में भी दिखाता चलूँ ये तमाम फिशेज और ये फायर फिश जो है ये भी इस वक्त फीड पर है। ये देखें आप इसके खूबसूरत खूबसूरत चीज़ फायर फिश भी इस वक्त फीड पर है और ये देखें आप ये हार्ड कोरल्स जो हैं ये देखें आप बेइंतहा खूबसूरत। ये बेसिकली हमारे फराज भाई का ये कहना है कि इन्होंने इसको छोटे छोटे जो ये जो कर्व्स हैं ये बेसिकली इनके अपने तरीके से बनाई गए हुए कर्व्स हैं। ये प्लेट कोरल होता है तो अगर आप सी में देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट गाना ये ग्रो करता है खास तरीके से इसको ग्राउंड किया जाता है जिसकी वजह से एक कप बनाता है। इसमें से मैं कुछ कट लगाता हूँ जिसके कट लगाने के बाद ये अपने आप को घुमाना शुरू करता है और इस तरह में गोल कप बना लेता है। अगर मैं इसको ग्राफ्ट ना करूँ तो इसका ये शेप आपको देखने को ना मिले, वाइल्ड में ऐसा नहीं होता है, वाइल्ड में भी बिल्कुल जो है प्लेट के फॉर्म में होता है तो इसको प्लेटिंग मोंटीपुरा कहा जाता है। ये देखें जी, मैं थोड़ी सी जहाँ मुझे नॉलेज की कमी है वहाँ से थोड़ा सा मैं फराज भाई से ताउन लेना चाह रहा हूँ इसलिए कि ये सी वर्ल्ड ऐसी चीज़ है जो शायद हम इसके बारे में कभी सही मायनों में नॉलेज हो ही नहीं पाएगी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हमारे इस एक्वेरियम के तवज्जो से हम जितना भी आपको फैसिलिटेट कर सकें और इसके थोड़ी सी भी नॉलेज अगर दे सकें तो हम कहेंगे कि हमारे लिए भाई से फ़ख्र है ये बात, इसलिए कि पाकिस्तान में इन चीज़ों का होना तकरीबन समझे आप ना होने के बराबर है। और ये फराज भाई ने भी अगर ये रखा हुआ है इस वक्त तो फराज भाई का भी ये कहना है कि शायद मेरे 20 से 25 लाख रुपए इसमें इन हो चुके हैं और मैं इसको कंप्लीट लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये आप इसका ख्याल भी ये रखें कि पाकिस्तान में आपको शायद इस बात का भी अंदाज़ा हो कि ये हमारे यहाँ लाइट्स हो जाती हैं और इसका चिलर 24 आवर चलना चाहिए, इसकी लाइट्स की जो ऊपर लाइट्स हैं इसके 24 आवर रहने चाहिए, मतलब रात को ही बंद होने चाहिए बेसिकली। तो ये आपको थोड़ी सी हमारा काम है कि आपको इस चीज़ों के बारे में बताएँ, एक्नॉलेज करें और आप लोगों को अवेयरनेस हमारे तवज्जो से जितनी भी मिल सके हम तो कहेंगे हमारे लिए तो फ़ख्र की बात होगी। तो फराज भाई अगर मुझे कुछ थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज दें। अच्छा फराज भाई, ये क्या है? ये कोरल है, ऑस्ट्रेलियन कोरल, इसका नाम है डंकन। ये डंकन कोरल है? जी, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आता है। और अगर मैं कहना चाहूँ एक्वेरियम के लिए, इस एक्वेरियम के लिए मैं कुछ कहना चाहूँ तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये एक समंदर का छोटा सा टुकड़ा है जो हमने अपने घर में ला के रख लिया है। ये कुदरती निज़ाम है जिसको चलाना बहुत इंसान के लिए बहुत मुश्किल है और इसको सीखना ही एक बहुत लंबे प्रोसेस में होता है क्योंकि अब हम तो मरीन बायोलॉजिस्ट नहीं हैं और हम इसको एक्वेरियम को चला चला के आधे मरीन बायोलॉजिस्ट बन गए हैं एज आ प्रैक्टिकल। तो अगर कहा जाए कि मैं कहूँ कि ये दुनिया की सातों समंदर का मजमू आपके सामने मैंने रखा हुआ है तो भी इसमें कम होगा क्योंकि ये एक एक कोरल दुनिया के हर कोने से मैंने खुद मंगवाया है और कुछ अपने दोस्तों के तवज्जो से मैंने इसको जमा किया है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में इस शौक को
बढ़ाती है, और उसी कम्युनिटी की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं, और मैंने इन सबको दुनिया के हर कोने समझे के किसी से मंगवाया है और कुछ कुछ जमा किया है, और तकरीबन हर समंदर की इसमें चीज़ें हैं, कहा जाए कैरेबियन सी में ऑस्ट्रेलिया और फिलिपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तकरीबन हर जगह से मडागास्कर, तो हर जगह के सी से मैंने चीज़ें मंगा के इसमें रखी हैं, और मुझे इसका काफ़ी अर्से से यानी कहा जाए तो उससे बचपन से शौक था, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की वजह से मैंने इसको आज से 13 साल पहले स्टार्ट किया था इस हॉबी को, और सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिली इससे, लेकिन आज 13 साल बाद जाके